हेलो दोस्तों, स्वागत है आनंद शांति ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आइए, सब अच्छे होंगे। हम लोग तो ठीक हैं। और देखिए दोस्तों, आज है दिन के 10 बज रहे हैं और देख सकते हैं, देखिए नज़ारा कितना धूप है। बहुत ज़्यादा आज धूप लग रहा है दोस्तों। रात में ना इतना ज़ोर से बारिश हो गया था, पूरा 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 मूसलाधार बारिश हो रही थी। और जैसे ही सुबह हुआ, सुबह होते ही एकदम पूरा मौसम खुल गया और पूरा धूप निकलने लगा। देखिए दोस्तों कितना कड़ी धूप है। और देखिए दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं कटहल तोड़ने के लिए। देखिए ये है, देखिए दोस्तों ये है कटहल का पेड़। देखिए ये लंबा लंबा फल है, लंबा लंबा फल है, देख सकते हैं ये है। तो आज हम आप लोग के साथ में शेयर करने वाले हैं कटहल के अचार बनाएंगे दोस्तों। और इसीलिए अभी हम आए हुए हैं, देख सकते हैं ये है कटहल तोड़ने के लिए, कटहल पेड़ के पास। तो चलिए दोस्तों अभी हम कटहल तोड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों कितना लंबा लंबा कटहल का फल है, देखिए ये। और देखिए ऊपर में और है, बहुत सारा है दोस्तों। तो देखिए नीचे से ही नीचे इतना नीचे में फला है कटहल। जो पहले है, पहले जो रेसिपी दिए थे वो सब हम लोग उधर दूसरा तरफ से लाते थे। और ये ना, ये पहली बार आज जाके हम ये कटहल को तोड़ रहे हैं। मतलब जब से हम पैदा हुए हैं तब से इन साल ये वाला कटहल फला है दोस्तों। और इन साल पहली बार हम खा रहे हैं। ये पापा रोपे हैं, मेरे पापा ये कटहल रोपे हैं दोस्तों। इन साल फला है ये कटहल, तो आज हम इसी कटहल का अचार बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम कटहल तोड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों ये है इतना बड़ा कटहल हम तोड़ेंगे, देखिए कितना बड़ा कटहल। तो चलिए दोस्तों इसको हम तोड़ लेते हैं। देखिए देखिए हम कटहल तोड़ रहे हैं। देखिए देखिए दोस्तों कटहल हम तोड़ दिए, देख सकते हैं ये कितना लस निकल रहा है। और ये है इतना बड़ा कटहल हम तोड़े हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हम एक कटहल तोड़ लिए हैं, अब हम दूसरा कटहल तोड़ेंगे। देखिए ये है, दो कटहल हम तोड़ेंगे। ओह देखिए ये एक कटहल और एक कटहल नीचे रखे हैं दोस्तों। हम दो कटहल तोड़े हैं और एक कटहल हम सब्जी बनाएंगे और एक कटहल हम अचार बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों दो कटहल हम तोड़ लिए हैं और दोनों कटहल को हम लेके चलते हैं घर और इसका अचार भी बनाएंगे और इसका सब्जी भी बनाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर दो कटहल हम तोड़ लिए हैं, तो चलिए दोस्तों इसको लेके चलते हैं घर। दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा, हम आप लोग से सीधे मिलते हैं घर में। तो हेलो दोस्तों, देख सकते हैं अभी हम घर आ गए हैं। और देखिए ये काटने के लिए टांगी लेके जा रहे हैं, देख सकते हैं ये है इतना छोटा सा टांगी है, इसी टांगी से कटहल को हम काटेंगे। देखिए यहाँ पर हम कटहल को रख दिए हैं। देखिए दोस्तों ये है, यहाँ पर रख दिए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम कटहल को काट लेते हैं। ये है छोटा सा टांगी है, इसी टांगी से हम काटेंगे। देखिए ये है टांगी, इसी टांगी से हम काटेंगे। देखिए कितना लास निकल रहा है। देखिए ये इसको हम इस तरह से रख देंगे, इसका ये निकलेगा लास। इसको भी देखिए, इसका भी कितना लास निकल रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको ऐसे ही, मतलब थोड़ा देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे। इसका जो इससे जो लस निकलता है उसको निकालने देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों वहाँ ना बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है, इसीलिए देखिए इस तरह से हम एकदम छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए। लेकिन इधर इधर नहीं काटे हैं, इधर रावा है ये है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ छाया में इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा करके काट लिए हैं। और अभी हम देखिए घर में छाया में हम आए हुए हैं दोस्तों। अब हम इस सबको देखिए, इसका जो छिलका है देखिए इस तरह से, इसका छिलका को देखिए इस तरह से हम छीलेंगे। बहुत हार्ड छिलका है, देखिए इस तरह से हम छीलेंगे दोस्तों छिलका को। और देखिए ये है सूप, हम सूप में रखते जाएंगे। और देखिए इस तरह से हम छीलेंगे दोस्तों। देखिए एगो हम छील दिए हैं। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से सारा कटहल को हम छील लेते हैं। छिलका छीलने में ना बहुत टाइम लगेगा, लमसम 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए 1 घंटा तक, छील लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों नीचे, मतलब नीचे गंदा हो जाएगा और इसका जो कटहल का लस है ना, लस जब जमीन में लग जाएगा, इसीलिए ये है
चटाई हम बिछा दिए हैं उल्टा करके। ये छोटा सा चटाई है, ये हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ये फेकाल फेकाल रहता है, वही चटाई को हम बिछाए दोस्तों। और उसी के ऊपर में देखिए हम छिलका छील रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, देख सकते हैं सारा कटहल को हम छील दिए हैं दोस्तों। देखिए ये है इतना सारा, तो ये कटहल सबको भी हम देखिए छोटा छोटा टुकड़ा में हम अपने साइज में हम कट करेंगे। देखो देखिए इस तरह से पीसेस पीसेस करेंगे। तो देख सकते हैं ये है सारा कटहल को हम अपने साइज में छोटा छोटा टुकड़ा किए हैं दोस्तों। देखिए ये है। तो चलिए दोस्तों इसको अभी हम ये पानी ले लिए हैं कढ़ाई में, इसमें हम धो लेते हैं। और ये है दूसरा कढ़ाई, इसमें हम निकालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा कच्चापन को निकालने के लिए हम इसमें हम बॉईल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कैसे बनाते हैं कटहल के अचार, आप लोग कमेंट में बताइए। और हम इस तरह से बनाते हैं, हम लोग अपने गांव में इस तरह से हम लोग बनाते हैं दोस्तों। और देखिए ये कटहल, कटहल को हम थोड़ा सा हम कच्चापन को निकालने के लिए हम बॉईल करें इस कढ़ाई में। तो देखिए दोस्तों सारा कटहल को हम धो के निकाल लिए हैं कढ़ाई में। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसको चूल्हा में चढ़ा देंगे, थोड़ा सा हम इसमें बॉईल करेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे कटहल को हम बॉईल किए थे, उसके बाद इसको धूप में हम सुखा दिए हैं, इसका जो पानी है इसको पूरा सूखने दिए हैं दोस्तों। और उसके बाद में यहाँ पर अचार बनाने के लिए हम यहाँ पर सारा कुछ हम रेडी कर लिए हैं। देखिए ये है कटहल और ये हरी मिर्च भी हम काट के रखे हैं और इसको भी इसी में हम डाल देंगे दोस्तों। और यहाँ पर हम लिए हैं देखिए ये है नमक, नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार। देखिए दोस्तों नमक हम डाल दिए हैं और इसके बाद में अब हम डालेंगे देखिए ये है मसाला, ये है अचार मसाला। तो देखिए दोस्तों मसाला सबको हम इसमें डाल दिए हैं, अब हम डालेंगे देखिए ये तेल। देखिए तेल हम डाल दिए हैं और इसको हम अच्छे से इस तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया ना, देखिए अच्छे से हम मिक्स कर दिए हैं इसको। अब हम डालेंगे ये डिब्बा में देखिए। और देखिए ऊपर से थोड़ा सा हम इसमें हम मिलाएंगे मसाला, भुरकाएंगे चिया। ये तो क्रम चिल्के कबाई है का कच्चे डम ले जाने चिल्के कबाई दे। देखिए दोस्तों अचार बनके तैयार हो गया। देखिए दोस्तों ये है अचार पैक हो गया, बनके तैयार हो गया दोस्तों। अब इसको डेली हम धूप में निकालेंगे।